आज जो है वो हम 9108 मशीन की सेटिंग्स देखेंगे, कैसे क्या कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे पहले हमने 9108 को कैसे यूज करते हैं, कैसे यहाँ पेपर इंसर्ट करेंगे, कैसे हमारा मशीन यूज होगा, किस तरीके से हम यहाँ पेशेंट में जाके F1 टिप के F1 जब प्रेस करेंगे तो हम पेशेंट में चले जाएंगे। यहाँ पेशेंट की सारी डिटेल्स, पेशेंट आई डी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जेंडर, एज, पेसमेकर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। ये टैब से टैब बटन प्रेस करके जो हम ये इन्फॉर्मेशन से इसके बीच में हम टॉगल कर सकते हैं, यानी जो टैब है, ये जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन की सेटिंग्स के बीच में चेंज कर सकते हैं। इंटर करके कोई भी सेटिंग्स को हम ये कर सकते हैं। दूसरा बटन पे देख सकते हैं हमारा फ्रीज है, तो जैसे ही F2 प्रेस करेंगे हमारा फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद हम देख सकते हैं जो प्री पेज, कितने पेजेस का था ये प्री पेज, ये सारी चीज़ें चेक, F2 से नेक्स्ट पेज, प्री सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हमारा जो ग्राफ किस हिसाब से प्लॉट होगा, यानी 10 mm पर mb, ये 10 mm का ग्राफ प्रिंट होगा हमारे 10 mv के मिनी वोल्ट के इसमें, यानी 10 mm का डिफरेंस ग्राफ में जो है वो 10 mm का डिफरेंशिएशन आएगा, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। ये स्केलिंग है अपना, ये रिकॉर्ड कर ठीक, जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा जो यहाँ पर रिकॉर्ड है वो जो फ्रीज्ड रिकॉर्ड है वो फ्रीज्ड रिकॉर्ड हमारा प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। F7 से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे, फिर यहाँ पे F3 से फाइल में आएंगे। फाइल में देख सकते हैं जो अभी हमारा कुछ नहीं, चूँकि हमारा एकदम नया मशीन है, इसमें से कुछ नहीं है। तो इससे पहले जो भी पेशेंट या जो भी चीज़ें हम इसमें ECG किए रहेंगे, वो सारे पेशेंट का नाम, टाइम, मोड, ये सब स्टेट, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसकी सेट उसको हम देख सकते हैं या फिर उसको हम भी प्रिंट भी कर सकते हैं। F7 से हम वापस रिटर्न में आ जाएंगे, यहाँ ऑर्डर डाल सकते हैं जो पहले से जो ऑर्डर बुक कर रखे हैं, या इस टाइमिंग पे इतने रूम नंबर में, या ICU के इस स्टाफ का, या फिर ICU के इस पेशेंट को मॉनिटर करना है, या इस स्टाफ को यह मशीन यूज करना है, वो सारी सेटिंग्स हमारा ये ऑर्डर के हिसाब से वहाँ आ जाएगा। एग्जामिन करके हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और F6 पे, F3 से हम फिर सेटअप में चले जाएंगे, यहाँ डिलीट ऑल करके सारा ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हैं, एक डिलीट करके, एक सेलेक्ट करके डिलीट से एक डिलीट भी कर सकते हैं। F7 से फिर वापस हम रिटर्न आ जाएंगे। ऑर्डर के बाद हमारा जो है वो सेटअप आता है, मेनली हम अभी सेटअप्स देखेंगे। सेटअप में जाने के लिए हम F5 प्रेस करेंगे। यहाँ देख सकते हैं जो सिस्टम सेटअप्स में जितनी चीज़ें हैं 12 चीज़ें आ जाएंगी। वर्क मोड, फिल्टर, रिकॉर्ड इन्फो, पेशेंट इन्फो, ट्रांसमिशन, लीड, डिस्पेंसिंग एंड साउंड, डेट एंड टाइम, फाइल, मेंटेनेंस, अदर, रिटर्न, ये डिस्प्ले एंड साउंड। ये वर्क मोड में जैसे हम इंटर करके प्रेस करके वर्क मोड में जाएंगे, देख सकते हैं जो मोड का ऑप्शन है, ये 4 मोड में चलता है बेसिकली, तो हमने 3 मोड सेलेक्ट कर रखा है। जब चारों मोड सेलेक्ट करेंगे तो ये मोड की स्विच से चारों मोडों के बीच में हम टॉगल कर सकते हैं, चारों मोड के बीच में एक मोड से दूसरे मोड में मोड स्विच प्रेस करके जा सकते हैं। अभी ने 3 मोड ही एक्टिव रखा है, तो इससे हम 3 मोड में ही इस मोड स्विच से बाहर जब हम होम डिस्प्ले पर रहेंगे तो उस 3 मोड के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले स्टाइल हमने 6x2 रखा है, यानी 6x6 का दो ग्राफ, दो टाइप, 6x6 का दो टाइप में ग्राफ बनेगा। ये 12 चैनल किसी मशीन है, तो हम इस पर 12x1 भी टाइप करके हम दूसरे में आ जाएंगे, इसमें 12x1 भी हम कर सकते हैं, यानी 12 ग्राफ लंबा हम प्रिंट लेंगे। अभी हमने 6x6 के बस्ट में ग्राफ प्रिंट लिया है, 12 ग्राफ भी हम प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा टैप पेस्ट करके हम चलेंगे, रियल टाइम में जाना चाहते हैं, ट्रिगर सिंपल लेना चाहते हैं। ट्रिगर सिंपल होता है, यानी जब ECG के PQRST के ग्राफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तब वो ECG का ग्राफ प्रिंट करेगा। रियल टाइम सिंपल हुआ, जब हम प्रिंट प्रेस करेंगे तो जो उस समय रहेगा वो प्रिंट हम लोग का आने लगा। प्री सैंपल हुआ, यानी सैंपल पहले से जो ले रखा है उसका हम लोग प्रिंट लेंगे। उसके अलावा ये ड्यूरेशन हम ले सकते हैं, 60 मिनट, इंटरवल 1 मिनट। पीरियोडिक सैंपल सेटअप, अगर पीरियोडिक सैंपल सेटअप करेंगे तो, पीरियोडिक सैंपल सेटअप हमने नहीं किया, यानी प्री सैंपल सेटअप हमने नहीं किया, तो ये हमारे यूज का नहीं है। रिदिमिक फाइल है वो हम सिंगल लीड या 3 लीड रख सकते हैं। तो रिदिमिक यानी रीडिंग, जब हम रीडिंग यानी कंटिन्यूस प्रिंट लेंगे तो 3 लीड के स्टाइल में ले सकते हैं या सिंगल लीड के स्टाइल में ले सकते हैं। तो हमने 3 लीड का स्टाइल सेलेक्ट कर रखा है। ऑटो एरिथमिया डिटेक्शन हमने ऑफ कर रखा है, ऑटो एरिथमिया डिटेक्शन हम ऑन कर देंगे तो जो पेशेंट में एरिथमिया का केस पाया जाता है, यानी पेशेंट की हार्ट बीट जो रेगुलर हार्ट बीट होती है, या हार्ट में कुछ ब्लॉकेज रहता है, या कुछ सिस्टम एरिथमिया का केस जब अराइज होता है, तो वो जब ऑन कर देंगे तो हमारा एरिथमिया डिटेक्शन है वो हमारे ग्राफ के प्रिंट पे आने लगेगा। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। प्रीव्यू हमने ऑफ कर रखा है, हम प्रीव्यू ऑन कर देंगे तो जब हम प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो पहले हमको प्रीव्यू दिखाएगा, फिर दोबारा जब प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तब प्रिंट देगा। हमने प्रीव्यू ऑफ कर रखा है, तो सिंगल प्रेस एक टाइम प्रेस करने से प्रिंट का बटन हमारा ये प्रिंट होने लगेगा। कैंसिल करके हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब टैप प्रेस करके दूसरे फिल्टर में चले जाएंगे। ये फिल्टर्स हैं, कितने लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, डिफ्यूज फिल्टर, EMG फिल्टर जो यूज किए हैं, इसे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है, तो ये आपके यूज का नहीं है। इसको फिर कैंसिल करके हम रिकॉर्ड इन्फो में चले जाएंगे। रिकॉर्ड इन्फो में हम देखेंगे जो किस तरीके से हम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी ऑटो रिकॉर्ड स्टाइल में जो 6x2 जो मैंने पहले ही बताया है, जो 6x6 के बस्ट में 12 ग्राफ दो बार में प्रिंट लेंगे। ये रिकॉर्ड मोड हमने सेफ पेपर रखा है, जो कि पेपर हमें बचाना रहता है, सेफ पेपर सेफ्टी।
ये हमारा रिकॉर्ड सीक्वेंस सिक्वेंशियल है, वो हमने सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज रहेगा तो लगातार प्रिंट आता रहेगा। गेन हमने 10 mm/mb लिखा है, जो मैंने स्क्रीन पे भी बताया, यानी 1 mV चेंज हुआ हार्ट के रिदिम में या हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में 1 mV चेंज होने पर ये 10 mm ग्राफ में, यानी 10 mm का सैम्पलिंग जिसको बोलते हैं वो प्लॉट करेगा। उसके अलावा हम रिकॉर्ड डिवाइस लिखे हैं, थर्मल हमारा डिवाइस है, चूँकि हमें थर्मल पेपर यूज करते हैं। प्रिंटआउट हमने ऑन रखा, ऑफ कर देंगे यहाँ से प्रिंटर तो प्रिंटआउट आना बंद हो जाएगा। सैम्पल टाइम हमने 10 सेकेंड का रखा है, तो ये 10 सेकेंड का जो भी 10 सेकेंड जो हमारा हाथ का रिदिम रहेगा वो 10 सेकेंड का ग्राफ जो हमारा इसी पेपर पे प्लॉट होगा। मैनुअल रिकॉर्ड स्टाइल हमने 6 रखा है, हमने पहले ही बताया। स्पीड हमने 25 mm/s रखा है, यानी 10 सेकेंड का सैम्पल टाइम रखा है, 25 mm/s रखा है, यानी हमारा ग्राफ जो है 1 सेकेंड में 25 mm प्रिंट होगा। 10 mm का सैम्पल यानी 250 mm हमारा ग्राफ प्रिंट होगा। ये पेपर मार्कर मैंने ऑन कर रखा है, तो ब्लैक मार्कर जो रहता है, मार्कर रीड करने के बाद ही पेपर स्टॉप होगा, यानी एक इसको ऑन करने से ये प्रॉफिट रहता है, जो हमारा पेपर का जेट फुल पेपर है वो सिंगल पेपर में, यानी एक ग्राफ दूसरे पेपर में नहीं जाता है, एक ग्राफ एक ही पेपर में पूरे में आ जाएगा। ऐसे कभी कभी क्या होता है, जब हम ये ऑफ़ कर देंगे तो एक रिकॉर्ड पूरा ख़त्म होने के लिए जब तक वो ब्लैक मार्कर रीड नहीं करेगा वो रुकेगा नहीं, तो हमको उसे स्टॉप करना पड़ेगा, अन्यथा लगातार वो पेपर बाहर प्रिंट से आता रहेगा। यहाँ से हम कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे। अब पेशेंट इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं, पेशेंट इन्फॉर्मेशन में अब सारी जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया था, एज और आईडी, टाइम, वेट, बीपी, अगर बीपी मेजर किया तो बीपी भी लिख सकते हैं, ऑर्डर रिक्वायर्ड है तो है, नहीं तो बाकी पेसमेकर है नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। स्केप करके भी हम बाहर आ सकते हैं, या स्केप का स्विच है, स्केप जैसे प्रेस करेंगे हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब इसके अलावा हम अब चले जाएंगे आपको ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन में सारी जो हमारा जो डिवाइस का इन्फॉर्मेशन वो दे रखा है, ये लीड्स में है, ये लीड में जैसे ही जाएंगे हम देखेंगे किसमें रिदमिक लीड 1, लीड 2, लीड 1 में क्या आएगा, लीड 2 में क्या आएगा, रिदमिक लीड 3 में V5 का आ रहा है, जो जिस तरीके से इक्वेशन है वो सारी चीज़ें उसमें दे रखी। ये अपना डिस्प्ले एंड साउंड है, डिस्प्ले एंड साउंड सेटअप में हम डिस्प्ले ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले का ब्राइटनेस जो है हम वो बढ़ा घटा यहाँ से कर सकते हैं। ये भी आप देख पा रहे होंगे, जो डिस्प्ले की लाइट जो है हम लोग कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, जैसे टैप करके उस समय की वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, हिंट वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन यानी जो हमारा नोटिफाई होता है जो प्रिंट हो रहा है स्टॉप हो गया उसका ही वॉल्यूम हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रिड ऑफ भी कर सकते हैं, ग्रिड हमने अभी जो बेसिकली ऑन करके चलाया है। अब हम इसको यहाँ से टैप कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे। ये डेट एंड टाइम की सेटिंग्स है, यहाँ हम अपना डेट एंड टाइम का सेटिंग कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सारा इसमें डाल सकते हैं। ये पावर ऑफ का है, यानी अगर 30 मिनट का पावर ऑफ डालेंगे तो ऑटोमेटिक 30 मिनट बाद ये पावर ऑफ हो जाएगा, अगर 10 मिनट का LCD ऑफ डालेंगे 10 मिनट बाद अपने आप जो इसका डिस्प्ले है वो डिस्प्ले बंद हो जाएगा, अगर हम कुछ प्लेस नहीं करते यानी मशीन को आइडियल कंडीशन में छोड़ देते हैं तब। ये फाइल है, ये फाइल हम ऑटो से PUCG कर रखा है, फाइल का फॉर्मेट डेटा के फॉर्मेट में रहेगा। डिलीट अपना ट्रांजिशन एक्सपोर्ट हमने ऑफ कर रखा है, यानी डिलीट आपका ट्रांसलेटर और एक्सपोर्ट हमने ऑफ कर रखा है, इसका मतलब जब डाटा हम इस मशीन से निकाल भी लेंगे तो डाटा इस मशीन में अवेलेबल रहेगा, और इसको हम यस कर देंगे तो डाटा जब मशीन से हम निकाल लेंगे उस मशीन का जो डाटा है वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बाकी ये रिप्लेस वाइल मेमोरी फुल, यानी जब हम रिप्लेस वाइल मेमोरी फुल करेंगे तो हमारा जब मेमोरी फुल रहेगा तो पहला जब हम इक्वेशन लेंगे, यानी मान लीजिए 100 हमारे डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो 101 जैसे ही हम डाटा इक्वेशन करेंगे वो जैसे ही सेव होगा तो पहला डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ये मेंटेनेंस का है, ये उनके यूज का नहीं है, या जनरली ये किसी के यूज का नहीं है, वो इंजीनियर्स यूज का है। ये अदर्स में आप इंस्टीट्यूट का नाम, लैंग्वेज, कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपना रिटर्न है, रिटर्न पर वापस जब प्रेस करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। बेसिकली सेटिंग्स में यही है जो जानने योग्य है, जो कस्टमर के यूज का है। थैंक यू।